हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 KD का देवघात समीकरण जो है उसमें से यह 6 प्रश्न का चौथा पार्ट है। तो ये बताने लायक क्वेश्चन है काफ़ी, तो मैं इसी वजह से बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे होता है। तो आइए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये वाली चीज़ इधर ले जानी है या इस सारे को आप इधर उठा के ले आएंगे। इस सारे को आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस का 2x और माइनस ये प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। आप सारे को माइनस से भाग करेंगे तो ये आपका इस प्रकार का बन जाएगा, ये इधर आके प्लस का और फिर दोबारा माइनस का। तो जब इस प्रकार का आपको ये प्राप्त हो जाएगा तो आप करेंगे क्या, आप तुलना करेंगे इसकी, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आप ये सब लिखेंगे। तो a बराबर आपका 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं, b बराबर -2 है आपका और c बराबर आपका माइनस का 5 है। c बराबर तो अब आप मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो बी देखेंगे आप माइनस का सूत्र में है आपके, माइनस का 2 अपॉन ए है आपका 1, तो आपका 2 हो गया मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए। सी आपका माइनस का 5 है और ये आपका ये है, तो ये आपका माइनस का 5 आ गया। तो ये आपका इस तरीके से उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सब्सक्राइब आप यदि कर लेंगे तो आपको वो वीडियो सारे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और हमारा चैनल सर्च करते हैं कर सकते हैं ओम एजुकेशन पॉइंट पोर्ट्री। आपको कोई भी अपनी कमेंट या राय देनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं जो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारे अनेक वीडियो का एक दो का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके भी आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।